नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी के बारे में। जी हां, ये भी एक भारतीय को ही मिला है। मैं बात करने वाला हूं ऋतिक रोशन जी के बारे में। उन्हें जो है आज द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड का जो है उन्हें किताब ये आज मिला है। इसके बारे में मेरे को बहुत ही खुशी है और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और बात करेंगे उनके बारे में ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऋतिक रोशन का जन्म जो है वो 10 जनवरी 1974 में हुआ था और इन्हें जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में की हैं। नाम तो सभी के याद नहीं हो सकते, लेकिन इनकी जो अभी जो लेटेस्ट मूवी है वो है सुपर 30। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ऋतिक रोशन जी के बारे में यदि बात करें तो इन्हें जो है 6 से ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स ये जीत चुके हैं, जिनके अंदर इनके 4 बेस्ट एक्टर अवार्ड हैं और 2 इनके जो हैं बेस्ट डेब्यू एक्टर के अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा मूवी आ चुकी है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इनकी जो फर्स्ट मूवी थी जिनके अंदर इन्हें लीडिंग रोल मिला था 2000 के अंदर इन्होंने की थी, जिसका नाम था कहो ना प्यार है। उसके बाद में भी इनकी काफ़ी मूवी आई हैं, जैसे फिजा, कभी खुशी कभी गम, और कोई मिल गया, क्रिस 2 क्रिस 3, और भी इनकी काफ़ी ज़्यादा मूवी आई है। मेरे को इनकी जो फेवरेट मूवी है वो अग्निपथ लगी। आपको इनकी कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में लिखने जाएं, वहाँ पे पास में आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब बटन, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। यदि आप भी ऋतिक रोशन जी को सपोर्ट करते हैं और इससे खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनको एक जो है बीमारी है जिसके कारण इनके हाथ में 6 अंगुली हैं। हिंदी में इस बीमारी को बहु अंगुलीता कहा जाता है, लेकिन फिर भी इनके बाद इन्होंने जो सफ़र जो तय किया है उसके बारे में काबिले तारीफ़ है। इन्हें इसके लिए बधाई देना चाहेंगे। और जब इनसे जो जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो इनसे बात करने गए, इनका इंटरव्यू लेने गए, जब इन्होंने ये अवार्ड मिल चुका था उसके बारे में इन्होंने क्या कहा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ इसके लिए। और इनसे पूछा गया कि इसका राज क्या, तो इन्होंने कहा कि इसका राज ब्रोकली है, सिर्फ एक मजाक के रूप में इन्होंने कहा। और इन्होंने बताया कि जो है ये जो वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन का जो इन्होंने किताब मिला है, बोले ये किताब तो कोई भी जीत सकता है। इनका कहना है कि जो एक किताब है जो इन्हें जिसके लिए इन्हें कोशिश करनी चाहिए, सभी को कोशिश करनी जो चीज़ है वो है करैक्टर। जी हाँ, यदि एक अच्छा करैक्टर होता है तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा, ये इनका कहना है। और बाकी आप हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के आपको कैसा लगा ये न्यूज़ सुन के। और हाँ, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऋतिक रोशन जी को सपोर्ट करते हैं तो एक लाइक और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये खुशी हम सभी साथ मिलके सेलिब्रेट कर पाएँ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।